Pledge, I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, all of you. Today, we will start our Treasure Trove Workbook's poem. The poem name is The Bengal Sellers. We already know about this. हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इसका राइटर कौन था, सरोजनी नायडू. उसके बारे में हमने उसकी बायोग्राफी सब कुछ कर लिया है और हमें पोइम में भी पता है कि क्या है उसमें, कौन कौन से कितने स्टैंजेस हैं उसमें. 6 लाइंस हैं. इस स्टैंजेस में उसने किसको डिस्क्राइब किया है, बेंगल्स को. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द पोइम. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनसॉल्वड टेसेस. So dear students, only today I will send you the unsolved passages, but in this book other unsolved passages you have to do by yourself. ठीक है. First है question क्या था, Bengal sellers are we who bear our shining loaves to the temple fair, who will buy these delicacies, bright rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. तो उसमें क्या था, फर्स्ट पैराग्राफ में उसने शाइनिंग लोड टेम्पल फेयर के बारे में बात की गई थी. उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, वेयर आर द बेंगल सेलर्स Going, are they happy, contented? तो उसमें क्या था, The Bengal sellers are going to the temple for the fair which is being held over there. They are happy and contented despite the heavy load of various bangles of multiple designs and colors on their shoulders. तो क्या था, वो एक टेम्पल फेयर में अपनी बैंगल सेल करने के लिए लेके जा रहा था और उसके पास बहुत ज़्यादा वजन था क्योंकि उसके पास मल्टी कलर मल्टी डिज़ाइंस की बैंगल्स थी जो उसने अपने शोल्डर पे उठाई हुई थी. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेनबो टिंटर सर्कल्स ऑफ लाइट, व्हाट काइंड ऑफ लिटरेसी फिगर इज आउट. ठीक है, रेनबो टिंटर सर्कल ऑफ लाइट इज रेफर टू द बैंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द रेनबो. तो क्या किया गया है, उसको जो रेनबो की तरह डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको रेफर किया गया है. दिस इज टाइप ऑफ मेटाफोर फॉर डिस्क्राइबिंग द फिजिकली अपीयरेंस ऑफ द बैंगल्स एंड देयर ब्यूटी. उसमें क्या है, डिस्क्राइब किया गया है उसकी बैंगल्स को अपीयर किया गया है एंड उसकी ब्यूटी के बारे में डिस्कस किया गया है. व्हाट आर दीज बैंगल्स फॉर, व्हाई हैज द पोएट रिपीटेड द वर्ड हैप्पी इन द लास्ट लाइन हियर. तो ये बैंगल्स किसके लिए थी और उसने क्यों ये वाली हैप्पी वर्ड इस लाइन में रिपीट किया था. दीज बैंगल्स आर मेड फॉर वुमेन टू वियर, द पोइट हैज़ रिपीटेड द वर्ड हैप्पी इन द लास्ट लाइन सो एज टू गिव अ ह्यूमन एम्फेसिस ऑन द बैंगल्स एज दे आर बॉर्न बाय वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ. तो किसके लिए, उसने वोमेंस के लिए हैप्पी वर्ड यूज़ किया था कि वो अपनी पूरी लाइफ में जो कि खुश रहें और हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स होती हैं उनको डिस्क्राइब किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट कलर्स ऑफ बैंगल्स आर प्रेफर्ड बाय वर्जन मेडन्स. तो कौन सा कलर किया गया था, कौन सा कलर उन्होंने गर्ल्स के लिए डिफाइन किया था. द कलर्स ऑफ बैंगल्स विच आर प्रेफर्ड बाय वर्जन मेडन्स आर सिल्वर एंड ब्लू और पिंक. ठीक है,
तीनों कलर मेंशन किए गए हैं. दीज कलर्स प्रेफर्ड बाय देम एज द कलर्स रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ मेडनहुड ऑफ वुमेन्स लाइफ. तो वो वुमेन की स्टार्टिंग की लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाई राइम स्कीम इज फॉरवर्ड इन द पोइम. कौन सी राइम स्कीम फॉरवर्ड की गई है इस पोइम में. द राइम स्कीम्स फॉरवर्ड इन द पोइम इन इट स्टेंजा इज ए पी बी सी सी विच इज कपल्ड फ्रॉम एंड इन मेनली रिस्पॉन्सिबल टू मेलोडीज इफेक्ट एंड फास्ट रैंडम. तो उसमें ए ए बी बी सी सी वाली राइम फॉलो की गई है क्योंकि वो एक मेलोडी क्रिएट करती है इस फास्ट रैंथम के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस का क्या है हमारा. सम आर मीट फॉर मेडन रेस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट. सम आर फ्लस्टर लाइक द बर्ड्स एंड ट्रीम. ये हमने स्टैंजा पिच लास्ट उसमें डिस्कस कर लिया था असाइनमेंट में. हु इज द नरेटर. व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर. इसमें नरेटर कौन है और वो क्या डिस्क्राइब किया है उसने अर्लियर स्टेज में. द नरेटर इज द बेंगल सेलर. द थिंग्स दैट वी वाज दैट वाज डिस्क्राइब्ड अर्लियर वाज दैट वाइफ्स एंड डॉटर्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंगल्स एज ईच कलर डिस्क्राइब देयर इमोशंस एंड देयर लाइव्स. तो उसने डिस्क्राइब किया गया था अर्लियर में स्टेंजा में कि वाइफ्स एंड डॉटर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स की बैंगल्स होती हैं. ईच कलर डिस्क्राइब करता है उनकी इमोशंस को एंड उनकी लाइफ को. इन विच कंटेंस्ट इज द एक्सप्रेशन द माउंटेन मिस्ट यूज. तो माउंटेन मिस्ट किसको एक्सप्रेशन देने के लिए यूज़ किया गया. द माउंटेन मिस्ट एक्सप्रेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द वाइट एंड मिस्टी बैंगल्स विच एक्सप्रेस द वाइट कलर दैट रिप्रेजेंट द माउंटेन मिस्ट. तो किसके लिए डिस्क्राइब किया गया है. कौन से एक्सप्रेशन के लिए. वाइट कलर के लिए और ये मिस्टी बैंगल्स के लिए जो कि हमारा क्या करता है. वाइट कलर एक्सप्रेस करता है किसको. माउंटेन्स मिस्ट को. जो हमारा माउंटेन्स का मिस्ट होता है वेदर होता है उसको डिस्क्राइब करता है. हाउ हैज़ अ पोएट डिस्क्राइब्ड पिंक बैंगल्स. तो उसने पिंक बैंगल्स किसके लिए डिस्क्राइब की थी. कैसे डिस्क्राइब की थी. द पोएट डिस्क्राइब्स द रेड बैंगल्स एज बर्ड्स दैट ब्लूम ऑन देयर काम सर्फेस ऑफ द फॉरेस्ट स्ट्रीम एज देयर रेड इन कलर. द पोएट डिस्क्राइब द रेड बैंगल्स एज बर्ड्स दैट ब्लूम्स ऑफ द काम सर्फेस ऑफ अ फॉरेस्ट स्ट्रीम एज देयर रेड इन कलर. उसने रेड कलर को किसकी बैंगल्स के लिए डिस्क्राइब किया जाता है. काम सर्फेस के लिए एंड फॉरेस्ट स्ट्रीम के लिए क्योंकि वो रेड कलर जैसे दिखाई देते हैं. एक्सप्लेन समर अ ग्लो विद द ब्लूम न्यू बॉर्न लीव्स. इस लाइन्स को एक्सप्लेन करना है. दीज लाइन्स मीन्स दैट सम बैंगल्स आर शाइनिंग ग्रीन एंड दैट देयर ग्रीन कलर्स मेक्स देम रिप्रेजेंट द फ्रेशनेस ऑफ अ न्यू बॉर्न टेंडर लीफ ऑफ अ प्लांट. तो कैसा लगता है. जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रेशनेस को एंड न्यू बॉर्न जो लीफ न्यू लीफ होते हैं किसी भी प्लांट के न्यू छोटे छोटे से लीफ होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है. ही सेज दैट दीज बैंगल्स आर मेंट फॉर द गर्ल्स दैट आर नॉट मैरिड. तो ये किसके लिए बनी हुई हैं. गर्ल्स के लिए बनी हुई हैं जो मैरिड नहीं हैं. How has the poet used color imagery here? तो उसने imagery color यहाँ पे क्यों use किया. कैसे use किया. The poet has used effective color imagery in the poem. For example, silver, blue, red and white bangles are meant for the boys and girls who have longings of married lives. तो उसने किसके लिए express किया. सिल्वर ब्लू रेड कलर के एंड वाइट कलर की बैंगल्स को इमेजिनर किया है. किसके लिए. बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हु हैव लॉन्गनिंग्स ऑफ मैरिड लाइफ. जो कि उनकी मैरिड लाइफ के लिए आगे जाके डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट हमारा स्टैंजा कौन सा था. स्टार्ट था यहाँ से सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न एंड एंड होता है लाइक आर हर ब्राइडल डॉट लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर पे. What hues bangles are preferred by birds and maidens told earlier in the contest by. The bangles preferred by birds and maidens are blue, silver, white, red and pink colored bangles. Are these type of bangles represent their countless longings of married life. तो ये सब उनकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं क्योंकि उन पर बहुत अच्छी लगती हैं आफ्टर मैरिज. मोस्टली
जो वुमेन्स होती हैं वो यही कलर यूज़ करती हैं। वाई डज द ब्राइड हैव प्रेफरेंस फॉर येलो कलर बैंगल्स फॉर हर वेडिंग मॉर्निंग। तो येलो कलर की बैंगल्स को उन्होंने क्यों प्रेफर किया था वेडिंग मॉर्निंग के लिए। द ब्राइड प्रेफर्स द येलो कलर बैंगल्स फॉर द वेडिंग मॉर्निंग एज दीज बैंगल्स आर जस्ट लाइक द येलो कलर्ड एंड एज ऑल्सो आर शाइनिंग एंड लाइट एंड मेक अ लाइट रिंगिंग साउंड रिप्रेजेंटिंग देयर लव और टीयर्स। इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि येलो कलर्स बहुत अच्छा लगता है, शाइनिंग भी होता है, लाइट भी, लाइट शाइनिंग एंड लाइट के लिए, और जो उसकी रिंगिंग होती है रिंगिंग साउंड रिप्रेजेंट कैसे करती हैं लाफ एंड टीयर्स की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। व्हाट हैज़ द रेड कलर ऑफ बैंगल्स हैव बीन कंपेयर टू द फ्लेम ऑफ द ब्राइड्स मैरिज फायर। उसके साथ क्यों कंपेयर किया गया है मैरिज फायर, ब्राइड की मैरिज फायर के साथ। द रेड कलर्स बैंगल्स इज कंपेयर टू द फ्लेम ऑफ द ब्राइड्स मैरिज फायर एज दे आर रेड कलर्ड एंड रेड इज द फायर कलर एंड रिप्रेजेंट फायर एंड पैशन। तो क्या करते हैं जो रेड कलर बैंगल्स हैं उसको इसलिए फ्रेम के साथ कंपेयर किया गया था क्योंकि रेड कलर है जो फायर कलर की तरह दिखाई देता है एंड रिप्रेजेंट करता है फायर को एंड पैशन को। विच लिटरेस डिवाइस इज यूज इन द टू लास्ट टू लाइन्स हियर। कौन सा डिवाइस लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया लास्ट वाली टू लाइन्स में। द लिटरेरी एडवाइस यूज इन द लास्ट टू लाइन्स आर द येलो कलर्ड बैंगल्स विच आर शाइनिंग एंड लाइट प्रोड्यूस अ लाइट रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक एंड दीज बैंगल्स रिप्रेजेंट द लाफ्टर एंड द टीयर्स ऑफ द ऑफ अ ब्राइड। डिवाइस की टू लाइन्स में कौन सी येलो कलर बैंगल्स डिस्क्राइब की हैं जिनकी शाइनिंग है, लाइट भी है और प्रोड्यूस करती हैं लाइट रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और ये बैंगल ऑल्सो रिप्रेजेंट किसे करती हैं लाफ्टर एंड टीयर्स ऑफ अ ब्राइड पे डिपेंड करते हैं। वाई डज द पोइट रेफर टू द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर्स साइमल्टेनियसली। तो उसने क्यों रिप्रेजेंट किया है ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर को। द पोइट रेफर्स टू द टू वर्ड्स साइमल्टेनियसली। सेम वर्ड्स को क्यों रिप्रेजेंट किया एज अ ब्राइड इज हैप्पी एज शी इज गेटिंग मैरिड एंड ऑल्सो सैड एज शी विल मिस हर पेरेंट्स टू। क्योंकि वो खुश इसलिए है क्योंकि उसकी मैरिज हो रही है, उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। आफ्टर दैट उसकी न्यू लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी हो सकती हैं, और वो सैड इसलिए है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस करेगी और उनको छोड़ के जा रही है। द पोइट एम्फेसिस दीज टू वर्ड्स एज दीज आर द इमोशंस दैट आर द ब्राइड गोज थ्रू ऑन हर वेडिंग मॉर्निंग। तो इसमें पोइट ने क्या किया, उनके इमोशंस को डिस्क्राइब किया गया है एज अ ऑन हर वेडिंग मॉर्निंग, उनकी वेडिंग मॉर्निंग के टाइम। होप यू गाइज अंडरस्टैंड वट द क्वेश्चन आंसर्स एंड यू ऑल्सो नो द वट इज़ द पोइम अबाउट एंड also know the back exercise and these question answer. इस time मैंने first exercise आपको solve करके दी है, but in next time you have to do by yourself. Okay? Hope you guys understand. Thank you. Have a good day.